संत रामपाल जी महाराज जी के दर्शनादेश पर से हिसार पहुंचे संत समर्थक। वहीं नेपाल से भी हजारों की संख्या में अनुयायी हिसार पहुंचे। आज सेंट्रल जेल नंबर एक में बनी कोर्ट में संत रामपाल जी महाराज जी पर चल रहे देशद्रोह के मामले की सुनवाई थी, जिसके चलते समर्थक संत जी के दर्शनादेश पर से बड़ी संख्या में हिसार पहुंचे। इस दौरान नेपाल से आए समर्थकों से हुई बातचीत में उन्होंने बताया कि वो काफी समय से संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग टीवी पर सुन रहे थे, जिसके चलते उन्होंने संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझकर नाम दीक्षा ली है। जब उनसे पूछा गया कि आप लोग हिसार क्यों आते हैं, तब उन्होंने बताया कि हिसार में आना उनके लिए तीर्थ यात्रा के समान होता है। यह कहते हुए उन्होंने कबीर वाणी बोली और कहा कि कभी संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखी तो यज्ञ समान। रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने कहा कि संत रामपाल जी महाराज को एक षड्यंत्र के तहत झूठे मुकदमों में फंसाया गया है। कहा कि आज 3 साल का समय बीत जाने के बाद भी हरियाणा सरकार संत रामपाल जी महाराज को किसी भी मामले में दोषी साबित नहीं कर पाई है। अनुयायियों ने कहा कि सरकार को जल्द से जल्द फर्जी मामलों को रद्द करना चाहिए। आज कोर्ट ने संत रामपाल जी महाराज पर चल रहे मुकदमा नंबर 428 की सुनवाई करते हुए इस मामले में अगली तारीख 26 मार्च दी है।